लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ आज ना डिफरेंट वाला कुछ इसमें से लेके जाती हूँ। देखें बाहर रौनक लगी हुई है क्योंकि वेदर अच्छा है यहाँ। काइंड ऑफ मेरा फूड आ गया था तो हम पहुंच गए हैं चाय वाला। ओ जद के जाऊं क्या हुआ मियाँ क्यों कर रही है? मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या लेना। आज हमारा डेट डे है और इधर एम्बुलेंस आई है। आटियाज ब्लॉग निका मैं आप लोगों को दिखाऊं। आज वेदर अच्छा है लेकिन ग्रास सारा ये देखें कट करने वाला दोबारा हुआ है और बब्बर भी आज देखें बाहर आई हुई है। देखें वेदर अच्छा है ना तो फिर बाहर आती है तो ये देखें सारा ग्रास का इस वीकेंड पे इंशाल्लाह कट करेंगे इसको। देखें कहाँ पे नीचे जाके बैठ गई है ग्रास खाती है सम टाइम। बबी क्या कर रही है? आजा आजा बबी बबी। ओ जद के जाऊं क्या हुआ मियाँ क्यों कर रही है? क्या करना है? आ जाओ चले आ जाओ चले। मैं आई हूँ आज अपनी बेटी के साथ। आज हमारा डेट डे है। मैंने सोचा चलो आज अपनी बेटी के साथ ज़रा शॉपिंग करूं जाके उसके साथ फ़न करूं। तो आज मैं और वो निकले हैं बाहर आए हैं एक्सप्रेस शॉपिंग के लिए। तो चलो फिर आप मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ। सबसे पहले तो हम नाश्ता नहीं करके आए, 11-12 बजे का टाइम है तो सबसे पहले तो हम नाश्ता करते हैं कहीं। ठीक है सुबह का टाइम है अभी तो कुछ खा पी लेते हैं पहले तो फिर शॉपिंग करेंगे क्योंकि क्योंकि आपको पता है चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए पेट की पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आ गए हैं जनाब चाय वाला। सोचा चलो चाय वाला ही ब्रेकफास्ट करते हैं आज। तो हम पहुंच गए हैं चाय वाला। देखते हैं इधर क्या लेते हैं खाने के लिए। सबसे पहले देख रहे थे जनाब मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या लेना। हमने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और आके बैठ गए और वेट कर रहे थे नाश्ते का। बहुत भूख लगी हुई थी। मेरा फूड आ गया था बेटी का अभी नहीं आया। फूड आ चुका था। काइंड ऑफ
चाय वाला तो बहुत दफ़ा हमने ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन पहले नाश्ते में ना ये पूड़ियों की जगह पराठे देते थे, शाना पराठे, लेकिन आज पूड़ियाँ दी तो वो बहुत मज़े की थी। तो इधर मैं साथ साथ खा रही थी और आप लोगों को इसकी फीडबैक भी दे रही थी। ये जो था ना टिक्का रोल जो था बहुत मज़े का था, चिकन टिक्का रोल, और बाकी हलवा पूरी भी अच्छी थी, नॉट टू बैड, और जो थे ये चिली फ्राइज ये भी बहुत अच्छे थे। ये देखकर पूरी दी है, पहले शाना पराठा देते हैं। पहुँच गए हम चाइम्स, तो सबसे पहले हम नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए हैं इधर। सेल्स लगी हुई है इधर न्यू लुक में, मैंने कहा क्यों ना पहले इधर देखा जाए। ओके, फिर हमने ली है ड्रिंक और ये देखें बाहर रौनक लगी हुई है क्योंकि वेदर अच्छा है। यहाँ पे फ्रूट का स्टॉल है तो जाते जाते कुछ फ्रूट भी ले लेंगे। और इधर एम्बुलेंस आई है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपको तो पता है कहीं भी चले जाओ तो बच्चों की एक्टिविटीज़ तो उधर होती हैं, तो आज वेदर अच्छा था और बच्चे भी ये देखें फ़न कर रहे थे। अब हम आए हैं जनाब इधर सुपर ट्रक में, इधर से कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। मेकअप ही मेकअप है इधर, तो आप सबको तो लेडीज़ को पता है कि जब हम लोग इस तरह की जगहों पे आती हैं ना जहाँ पर मेकअप वगैरह और इस तरह की चीज़ें हो ना, तो हमारा तो कोई चीज़ छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। और इसी तरह फिर मैंने भी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने एक एक करके मैं कहती हूँ उठानी शुरू कर दी और साथ ही मेरी बेटी को भी जो चाहिए था उसने भी ले लिया। एल्फ का मेकअप, इसके बारे सब टॉक अबाउट करते हैं, हमने सोचा हम भी जाके देखते हैं। एल्फ की प्रोडक्ट जो है ना इसके बारे सब टॉक अबाउट करते हैं। मेरी बेटी ने एक दफ़ा यूज़ की है, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ आज ना डिफरेंट वाला कुछ इसमें से लेके जाते हैं, देखते हैं ट्राई करते हैं कि कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अब
हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और घर को वापस जा रहे थे। मैं कहती हूँ आज बहुत मज़ा आया, लेकिन आपने व्लॉग देख के मुझे बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा किया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो मुझे दे इजाज़त और दुआओं में रखें हमेशा याद। अल्लाह हाफिज़।